नमस्कार, पॉलिटिकल टिंट से मैं शिफानास। आज की न्यूज हेडलाइंस कुछ इस तरह है। CAA को लेकर दिल्ली में मौजपुर के बाद भजनपुरा में झड़प, फूके वाहन बुलाए गए अर्धसैनिक बल। CAA के खिलाफ दिल्ली के मौजपुर के बाद भजनपुरा में भी झड़पें हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात बेकाबू होने पर घटनास्थल पर अर्धसैनिक बल को बुलाया गया है। बताते चले कि CAA के खिलाफ दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास भी पत्थरबाजी हुई। CAA के समर्थक और विरोधियों दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया। बाबूलाल मरांडी सर्वसम्मति से चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष चुने जाने का ऐलान किया गया। मोदी के विजन को पूरा करेगी ये सरकारी कंपनी, 5 साल में होगा 1,00,000 करोड़ का निवेश। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल अगले 5 साल के दौरान गैस आधारित ढांचागत सुविधाओं में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि इस राशि का निवेश पाइपलाइन विस्तार, शहरी गैस वितरण नेटवर्क और पेट्रो रसायन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। गिरिडीह में तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकराई, 2 युवकों की मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। जमीन विवाद में अपराधियों ने पहले गोली मारी, फिर गला रेतकर युवक की कर दी हत्या। सरायकेला थाना इलाके के बीरबास गांव में जमीन विवाद में अपराधियों ने 30 वर्षीय बुद्धेश्वर कुमकार को पहले गोली मारी, फिर गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक अपने साथी के साथ मेला देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में 2 अपराधियों ने उसे पहले गोली मारी, फिर पास के खेत में ले जाकर धारदार हथियार से गला रेत दिया। धन्यवाद। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहें पॉलिटिकल ट्रेंड्स।